फाइनली कहीं पे छाव मिली रुकने के लिए, अदरवाइज पूरी की पूरी धूप निकली हुई है. एनीवेज, वेलकम बैक टू मैडी कोको. द इलेक्ट्रिक साइकिल दैट आई हैव विथ मी टुडे इज कॉल्ड द ओरिता इन्फिनिटी. इस वीडियो में मैं ओरिता इन्फिनिटी की रेंज टेस्ट करने वाला हूँ. कंपनी ने इस साइकिल में प्रोवाइड करी है 250 वॉट BLDC हब मोटर. बैटरी जो मुझे कंपनी ने भेजी है वो है 48 वोल्ट 14.5 एम्पियर आवर की. बैटरी फुल्ली चार्ज है. मैं अब तक साइकिल मैन्युअली चला के आया हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए. चेक करते हैं ये सिंगल चार्ज में कितना रेंज देती है. लाइक आई टोल्ड यू, काफ़ी कड़क धूप निकली हुई है. अगर मैं धूप में कहीं पर रुका था साइकिल तो पूरा पसीने से भर जाता. आई हैव सो मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू टेल यू अबाउट दिस साइकिल. इट इज नथिंग लाइक व्हाट आई हैव रिडन बिफोर. और या इट्स वेरी यूनिक. अब ये पॉजिटिव यूनिक या नेगेटिव यूनिक, उसके लिए आपको रिव्यू वीडियो देखना पड़ेगा. वीडियो शूट करने के नाद में मैंने स्ट्रावा ही चालू नहीं किया. दिस इज वेयर आई हैव स्टार्टेड माय स्ट्रावा. तो जो भी रेंज मिलेगा उसमें 200 मीटर हम लोग ऐड कर लेंगे. और मैं बानेर पहुंचा हूँ. लाइक यू सी बिसाइड मी, ऑर्चिड होटल है यहाँ पे. एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स कातरज. एंड देर आर सर्टन थिंग्स अबाउट दिस बाइसिकल दैट आई रियली वॉन्ट टू शेयर, बट यू नो आई नीड टू डू सम एडिक्वेट टेस्टिंग बिफोर शेयरिंग एनी सर्टन ओपिनियन ऑन दिस. बट ये काफ़ी अलग होने वाला है इसका रिव्यू, और मज़ा आने वाला है इसे शूट करते करते. यार आप लोग हमेशा कमेंट करते हो कि रेंज टेस्ट के लिए. मैं बोलता हूँ कि मैं मेहनत बिल्कुल भी नहीं करूँगा, एफर्ट ज़रा भी नहीं डालूँगा, पर मैं तो पेडल करते रहता हूँ. तो ये रेंज टेस्ट कैसे हुआ जब मैं खुद से मेहनत कर रहा हूँ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए? तो गाइज़, मैं एक्चुअली मेहनत बिल्कुल नहीं डालता हूँ. मैं सिर्फ पेडल घुमाता हूँ बट उस पर प्रेशर ज़रा भी नहीं डालता. और साइकिल अपने बल पे, अपने मोटर कैपेसिटी पे खुद को आगे प्रोपेल करता है. अब ये कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट मैं आपको विजुअली दिखाना चाहता हूँ. जैसे आप सामने देख सकते हो, चढ़ान आ गई है, इंक्लाइन है. अब कैमरा साइड व्यू पे शिफ्ट करते हैं सो दैट आप ईजिली समझ सको. अब देखना ये चढ़ान पे मैं कितना आराम से पेडल कर रहा हूँ और साइकिल कितना स्पीड में आगे जा रहा है. अब अगर मैं इसे बंद करता हूँ तो मुझे ये चढ़ान चढ़ने के लिए देखो कितना मेहनत करना पड़ता है. This is the maximum speed that I can achieve. And now I'm gonna put it on pedal assist level 3 again. And there it goes. It's propelling itself ahead. So this is what I mean जब मैं बोलता हूँ कि मैं सिर्फ पेडल घुमा रहा हूँ पर खुद का एफर्ट ज़रा भी नहीं डालता.
यार मैं नवले ब्रिज पहुंच गया, ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच कातरज, और ये इसका बैटरी अभी तक फुल है। आई मीन टोटल 4 बार्स होते हैं और 4 और 3 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ पे अभी तक रॉन्ग वे चला दे रिक्शा वाले गाड़ी वाले। आई यूज टू लिव इन दिस एरिया अ कपल ऑफ ईयर्स अगो। कातरज तो मैंने क्रॉस कर लिया ऑलरेडी और बैटरी अब 3 और 2 पॉइंट्स के बीच फ्लक्चुएट हो रहा है, और अब मैं और थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ स्वारगेट की तरफ। जब बैटरी 2 पॉइंट पे कॉन्स्टेंट रहेगा, इट्स ओनली देन व्हेन आई टेक अ यू टर्न एंड हेड बैक टूवर्ड्स बानेर। आई थॉट ऐसे ऑड आवर्स पे निकल रहा हूँ दोपहर को 3 बजे 3:30 बजे, तो शायद इतना ट्रैफिक नहीं रहेगा, पर कातरज साइड तो हमेशा ट्रैफिक होता ही है। I've covered a distance of 32 kilometers after reaching Swargate, और बैटरी अभी तक आधा नहीं हुआ है, बट 3 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू टेक माई चांस कि बैटरी मेरे पहुँचने के पहले ख़त्म हो जाए, इसलिए भले ही फ्लक्चुएट कर रहा है फिर भी आई डिसाइडेड टू टेक अ यू टर्न ओवर हियर। आपको स्वारगेट का बस स्टैंड देखना है तो यू विल सी इट ऑन द लेफ्ट। ओ आई कैन एक्चुअली टेक द साइकिल थ्रू द बस स्टैंड, सो बाइक लेके जाने के लिए प्रॉब्लम है, साइकिल जाती है। हेडिंग ऑन माई वे बैक, हम लोग वो ब्रिज से आए थे, अब बेसिकली नीचे वाले ब्रिज से जा रहे हैं। अभी अगले वाले ब्रिज के बाद वारजे आएगा, या यही वारजे है, आई डोंट नो, बट यहाँ तक अब बैटरी 2 और 1 पॉइंट के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। अच्छा खासा हवा आ रहा है, काफ़ी ब्रीजी है,
एंड द वेदर इज सो प्लेजेंट राइट नाउ. आपको क्या लगता है, मुझे साइकिल पे बैठ के देख के आपको कैसा लग रहा है, साइकिल कंफर्टेबल होगा, अनकंफर्टेबल होगा? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? जस्ट बाय द लुक ऑफ इट लेट मी नो इन द कमेंट्स. हाँ, बट आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम राइट नाउ. तो अब तक मैं बानेर पहुंचा नहीं हूं, बट यहाँ पे आखिरी पॉइंट भी अभी ब्लिंक होने लग गया है. इट्स ब्लिंकिंग बट इट्स ऑल्सो स्टेबल इन बिटवीन, तो सॉर्ट ऑफ चार्ज है. बट या लेट्स सी. वाओ, इट वाज रेनिंग टिल यस्टरडे. मुझे कल बाहर निकलना था, परसों बाहर निकलना था, बट इतना बारिश गिर रहा था कि नहीं, मुझे कैमरा गेयर, कैमरा सेटअप लेके निकलना है. And luckily, it's dry and nice today. Nahin. Literally, असिस्ट करना बंद कर दिया मोटर ने. सो दिस इज़ द पॉइंट वेर आई एम गोइंग टू स्टॉप एंड सी किसने रेंज कितना दिया एक सिंगल चार्ज में. कैन यू सी इट्स 62.17 किलोमीटर्स. 200 मीटर ज़्यादा लेट मैंने स्टार्ट किया था, तो यू कैन अज्यूम 63 किलोमीटर्स इन अ सिंगल चार्ज इज़ व्हाट द ओरिता इन्फिनिटी गेव मी ऑन इट्स 14.5 एम्पियर आवर बैटरी. अभी ये मैंने पूरा पेडल असिस्ट लेवल 3 पे चलाया है, विच इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ पेडल असिस्ट. अगर आप चाहते हो कि मैं मीडियम लेवल ऑफ पेडल असिस्ट का भी रेंज बताऊँ, तो लेट मी नो, बिकॉज ये ऐसी बाइक है जो आपको हमेशा पेडल असिस्ट लेवल 3 पे चलाने की ज़रूरत नहीं है. इवन द मीडियम लेवल इज़ adequate enough for city use. Shanti rakho bhai, go electric. So yup, 63 km on a single charge. If you enjoyed watching this video, don't forget to let me know by hitting the like button. Also don't forget to subscribe so that you'll stay notified for the upcoming videos. Is cycle ka review would be the next one on this channel. Thank you so much for watching Maddie Coco. I will see you in the next one. Goodbye.